हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं हेज़लनट ड्राई फ्रूट समोसा। हेज़लनट ड्राई फ्रूट समोसा ये एक पार्टी टाइम स्नैक्स रेसिपी है जिसे बनाने के लिए हमें चाहिए। ये मैंने हेज़लनट सॉस लिया है, आप इसकी जगह पे न्यूटेला भी यूज़ कर सकते हो। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए हैं जिसमें अखरोट है, बादाम है और ये काजू है जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके लिया है। आपके चॉइस के अनुसार जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है वो इसमें ऐड कर सकते हो। और ये मैंने मैदे का स्लरी बना के लिया है जिससे हमें जब हम समोसा बनाएंगे तब उसको चिपकाने के लिए ये लगेगा। जो समोसा शीट्स ये रेडीमेड मिल जाते हैं बाज़ार में, तो आइए हम ड्राई फ्रूट्स हेज़लनट समोसा बनाते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम ये मैंने ये गैस की फ्लेम ऑन कर ली है और कढ़ाई में हम ये ड्राई फ्रूट्स थोड़े से रोस्ट कर लेंगे। ये जो हेज़लनट सॉस है इसके साथ ये रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए हम इसे थोड़ा सा ही भून लेंगे। सभी ड्राई फ्रूट्स में एक साथ ही भूनने के लिए डाल रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ड्राई फ्रूट्स को हमने एक डेढ़ मिनट के लिए भून लिया है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर लेती हूँ और इन्हें ठंडा होने के लिए रखती हूँ। आइए फ्रेंड्स, ये हमारे ड्राई फ्रूट्स जो हमने भून लिए थे ये ठंडे हो चुके हैं। अब हम इन्हें इस सॉस में ऐड करते हैं। सभी ड्राई फ्रूट्स हमें सॉस में ऐड करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसको ऐड कर लिया है। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये मिक्स हो चुका है। अब हम समोसा की पट्टियों में जो हमने समोसा सीट मैंने आपको दिखाया है इसमें इसका स्टफिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसका स्टफिंग करेंगे। इसके लिए हमें पहले ये शीट को इस तरह से फोल्ड करना है, फिर इसे ऐसे फोल्ड करना है और आप इसके लिए स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग डालने के बाद हम इसे ये साइड से और इसके नीचे के साइड से हम इसे फोल्ड करेंगे। इस पूरी तरह से इसको मैदे की स्लरी लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे ऐसा फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड करें और समझो कोई साइड अगर खुली रह जाती है तो इसको इस तरह से ऐसे बंद करें ताकि अंदर का जो स्टफिंग है वो बाहर नहीं आए, इसलिए हम इसे करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसे इस तरह से ऐसे पकड़ेंगे, फिर इसे इस तरह से ऐसे नीचे लाएंगे और अब हम इसमें ऐसे ऐसे पकड़ के स्टफिंग करेंगे। आपको जितना कम ज़्यादा पसंद है उस हिसाब से आप उसको स्टफ कीजिए। अगर आपको ज़्यादा स्टफिंग पसंद है तो थोड़ा सा ज़्यादा भी दीजिए उसमें। और ये इस तरह से मैं इसको लगाती हूँ और इधर भी नीचे भी चिपका लेती हूँ। इस तरह से फोल्ड करेंगे और आगे इसे वापस से मैदे की स्लरी लगाएंगे। अब हम ऐसे ही सारे समोसे स्टफ कर लेते हैं। इस तरह से मैं अभी किसी भी साइड से खुला नहीं रहना चाहिए समोसे, और इसे इस तरह से
जहाँ से भी वो खुला है वहाँ से उसको बंद कर लें। इसे हमने कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए पहले रखा था, अभी हमारा ऑयल गरम हो चुका है तो हम इसे फ्राई पैन करने के लिए डालते हैं। इसे स्लो फ्लेम पे ही रखना है गैस को, ज़्यादा बड़ी फ्लेम नहीं रखनी है। ये चार पांच समोसे हम एक टाइम डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे समोसे लाइट गोल्डन कलर के हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं, एक एक करके हम अच्छे से उसे निकाल लेंगे। हम बाकी के भी समोसे फ्राई कर लेंगे। ये देखो फ्रेंड, इस तरह से हमने सभी समोसों को फ्राई कर लिया है। सर्विंग प्लेट में निकाल दें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे सभी हेज़लनट ड्राई फ्रूट समोसे बनके तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही अच्छे बने हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।